लोकसभा चुनाव रंगवाणी प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरी टीम देवभूमि उत्तराखंड और लोकसभा सीट नंबर 1 टिहरी लोकसभा चुनाव का दौरा कर रही है। और वहां पर यदि मैं बात करूं तो लगातार कुछ लोगों को यहां पर राजनीति विरासत में जो थाली मिली हुई है और कुछ लोगों को यहाँ पर शायद संघर्ष के लिए जो थाली मिली है। आज निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ पर बॉबी पंवार, जिनकी संघर्ष की कहानी पिछले युवाओं को लेकर के लगातार जारी है। और यदि मैं आज की बात करूँ, नॉमिनेशन की बात करूँ, तो युवा जो हजारों में वहाँ पर आज लोग थी, क्या वास्तविक वो हजारों लाखों में वोट कन्वर्ट हो पाएगी, ये तो भारत समय बताएगा। क्या है बॉबी पंवार की फिर योजना, जिस तरीके उनको पूर्ण सफलता मिली है बेरोजगारों को लेकर के, कई युवा वहाँ पर दिखाई दी, क्या रहेगी उनकी पॉलिसी, तमाम चीज़ों से बातचीत करेंगे। और ख़ास तौर पर यदि मैं मोदी की डंका की बात करूं और मेरी टीम का जब दौरा रहा है भिलंगना से लेकर के आराकोट, बंगाण, जौनसार, तमाम जगह पर, तो कहीं ना कहीं शायद अंदर से ऐसा महसूस होता है कि शायद बदलाव भी चाहती है जनता। भले बहरहाल बीजेपी का तो डंका मोदी का चलता है, फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं बदलाव, क्योंकि लगातार जो राजा और रानी की विरासत में जो सीट मिली है उसको लेकर के जनता शायद अंदर से बदलाव चाहती है। तो क्या बॉबी पे दाव लगाएगी, ये भी कुछ न कुछ शायद बदलाव निश्चित ही दिखाई देगा। जिस हिसाब से आज नॉमिनेशन हुआ है तो अपोजिट जो और भी लोग हैं कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। बॉबी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका संघर्ष और आज जो नॉमिनेशन में आपने देखा, क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस प्रकार से जो चुनाव के मैदान में हम लोग उतरे हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि हम घर से उठकर चुनाव के मैदान में कूदे हैं। एक लंबा संघर्ष इस प्रदेश के लिए किया जा रहा है, यहाँ के युवाओं के लिए किया जा रहा है। इस प्रदेश में फैले बड़े भ्रष्टाचार जो आज चरम पर पहुँच चुका है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये संघर्ष किया गया है। यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए संघर्ष किया गया है। और कहीं ना कहीं जो जल जंगल जमीन जो अपने संसाधन है, उन संसाधनों को अपने हाथ से खिसकते देख हम उस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखे हुए थे। अब समय यह है कि जिस प्रकार से हम सड़कों पर लड़ने का जो काम कर रहे थे, उस सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। और उस दायरे को बढ़ाने के लिए जब प्रदेश भर के युवाओं ने, प्रदेश भर के अभिभावकों ने, कुछ आंदोलनकारी शक्तियों ने जब हमें आदेशित किया, निर्देशित किया कि आप इस सीमित दायरे से उठकर अपना दायरा बढ़ाइए और आप जैसे लोगों को उत्तराखंड की विधानसभाओं के अंदर या देश की संसद के अंदर होना चाहिए और हम आपके साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के आदेश के बाद हमने ये फैसला लिया कि वास्तव में चुनावी रण में जाना चाहिए। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है उसमें प्रतिभाग करके लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में प्रवेश करेंगे। पंवार साहब, सबसे पहले तो जो गांव की महिलाएं हैं, उन महिलाओं को लेकर के बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग हैं गांव में, दूर रहते, उन महिलाओं को लेके क्या बात करेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपको वोट दें? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दूर दराज क्षेत्रों में या जो मातृशक्ति हमारी रहती है, जो अपने मेहनत का कमाती है और मेहनत का खाती है, और उस पहाड़ जैसे जगह पर पहाड़ जैसी समस्याओं का सामना करके अपना जीवन यापन करती है, उन मातृ शक्तियों से मेरा निवेदन है, उन माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से आपके बच्चों की जो रोजगार की लड़ाई है, उस लड़ाई को निरंतर रूप से हम सभी लोग, आपके बच्चे और हम मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से आपके बच्चों के भविष्य को यहाँ कुछ अधिकारियों, नेताओं, परीक्षा माफियाओं ने बेचा था, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, उनके खिलाफ संघर्ष करने के लिए आपके बच्चे और हम मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप आलू टमाटर बेचकर जो खून पसीने की कमाई जो अपने बच्चों के लिए देहरादून भेज रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए, उन बच्चों के साथ बैठकर उनकी पीड़ा को सुनिए और समझिए कि क्या वास्तविकता क्या है। सरकारें बड़े बड़े दावे कर सकती है, सरकारें ये कह सकती कि हमने इतने रोजगार दे दिए, हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, पर वास्तविकता अपने बच्चे से पूछिए।
जब भारतीय संविधान के अनुसार अगर भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार हो सकता है, तो हमारी ये लड़ाई है कि वोट देने का अधिकार के साथ साथ भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक कानून बनना चाहिए जो होगा रोजगार का अधिकार। बॉबी साहब, आप जानते हैं कि 14 विधानसभाएं हैं, अपोजिट हमला होना है, कई ऐसे नेता भी हैं जो शायद आपको पीछे धकेल सकते हैं, तो क्या उनको लेकर कुछ रणनीति है आपके माइंड में? बिल्कुल रणनीति साहब, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सामने प्रत्याशी है, वो चाहे पक्ष का हो या विपक्षी दल का हो, तो वो सीधे सीधे यहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल निष्क्रिय है, कहीं भी सक्रिय नहीं है, कभी भी जनहित के मुद्दों पर बोला नहीं है, कभी भी जनहित की लड़ाई लड़ी नहीं है, कभी भी जो समस्याओं से हमारा प्रदेश जूझ रहा है उन समस्याओं के बारे में बात नहीं की है, जनता के बीच नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़ी कमी तो यही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 3 बार के सांसद अगर 100 दिन भी वो रिकॉर्ड दिखा दें कि अपने टिहरी संसदीय क्षेत्र में वो 100 दिन का कहीं दौरा किया हो, या 100 दिन भी कहीं टिहरी संसदीय क्षेत्र में भ्रमण किया हो, या वहाँ की जन समस्याओं को सुना हो, तो मैं ये लिख के दे सकता हूँ। संसद भवन में भी कितनी बार सपोज आप जाते हैं वहाँ, बहरहाल यदि मैं बात करूँ संसद भवन में बहुत कम सुनाई देता, और 75 ईयर्स देश को आज़ाद हो चुका है, लगातार अभी भी कुछ ऐसा जो पार्टियाँ निर्णय लेती हैं कोई आगे नहीं आया, और आपने तो कहीं ना कहीं प्रयास किया है, तो ये आज तक लोग आगे नहीं आए, क्या अभी ये समझा जाए कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, बराबर राजा रानी का खेल अभी भी चल रहा, राज सियासती है, ये वास्तविकी वो काम करती हैं, ये नदारत रहती हैं, फिर भी लोग खुश हैं, इसका क्या वजह है, कुछ वो बताएंगे आप? देखिए, समाज पिछड़ा हुआ नहीं है, समाज को राजनीति से दूर रखा गया है, जबकि मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति तो जब व्यक्ति का जन्म होता है, राजनीति तो उसके साथ उसी समय से जुड़ जाती है जब उसका जन्म होता है, जन्म प्रमाण पत्र बनने लग जाता है, उसके बाद सारे टीके वगैरह लगने लग जाते हैं, तो राजनीति वहीं से शुरू हो जाती है। और हमारा समाज का व्यक्ति राजनीति से परहेज करता है, जो सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी खामी है, और उस खामी का खामियाजा आज प्रदेश भुगत रहा है। हम ये कहना चाहेंगे जिस प्रकार से राजनीति शब्द को दुष्प्रचारित किया है, जिस प्रकार से राजनीतिक शब्द को खराब किया है, पवार साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेता जो होता है वो नेतृत्व करने वाला होता है, और नेता जरूरी नहीं है कि हर एक नेता भ्रष्टाचारी हो, वो बात अलग है कि आज नेताओं ने उसकी परिभाषा ही बदल दी है, जो भी बनता वो 7 पीढ़ियों तक वो अपना इकट्ठा करके वो 7 पीढ़ियों के लिए रख लेता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति से अगर हमारा समाज कटेगा तो इस प्रकार के खामियाजे राजनीति में भुगतने पड़ेंगे। आपके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, अपोजिट पार्टी में या रूलिंग पार्टी से भी, उन लोगों को कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, संदेश साहब पे उन लोगों ने भी बात को समझा है, उन लोगों ने इस प्रदेश में जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ है, उस राजनीतिक संकट को देखते हुए उन लोगों को ये पता है कि ये प्रदेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, और कहीं ना कहीं युवाओं को आगे आकर इस राजनीतिक संकट से प्रदेश को बचाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रदेश को चलाने वाली सरकार होगी, जो संचालित करने वाली सरकार होगी, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जब परिपक्व होगी, राजनीतिक रूप से जब ठीक होगी, तो मुझे लगता है कि तभी ये प्रदेश संचालित हो पाएगा, और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर राजनीतिक संकट से प्रदेश ना जूझ रहा होता तो कहीं ना कहीं हमारे जो इस प्रकार की जो गतिविधियाँ जो प्रदेश के अंदर चल रही है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है, ये ना होता। पवार साहब, आखिरी शब्दों में, आप यदि उस पवित्र मंदिर संसद भवन में पहुंचते हैं तो कौन से वो 3 काम आपके रहेंगे कि जनता की पीड़ा की बात कर लो, युवाओं की बात कर लो, ओवरऑल 3 वो कौन से काम आपके माइंड में जो आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी देंगे और पार्लियामेंट में टेबल पर जाकर के आप बात रखेंगे कि लोगों के किन वो क्या काम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आज हमारे राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने जो कमीशनखोरी को फैशन बना दिया है, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सांसद निधि का होगा उसमें 1% भी कमीशन नहीं ली जाएगी, उसका व्यक्तिगत हिसाब हर साल जनता के सामने दिया जाएगा कि कितनी सांसद निधि आई और कितनी सांसद निधि खर्च हुई है, नंबर एक बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अलावा, सांसद निधि के अलावा जो प्रयास केंद्रीय जो योजनाएँ निकलती है उसके लिए, जो प्रदेश के लिए जो पैसा स्वीकृत करवाना होता है, वो चाहे हमारे पहाड़ों में बदहाल शिक्षा हो, बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं हो, या वहाँ की जो दूर संचार की जो कनेक्टिविटी है, या हमारे पहाड़ों में रोडें वगैरह हो,
या यहाँ की स्वरोजगार जो नीति है, जो पैसा सेंटर से तो आता है पर यहाँ के युवा जो वास्तव में स्वरोजगार करना चाहते हैं उनके हाथ तक नहीं पहुँचता है। उन नीतियों में बदलाव करके, उन नीतियों को धरातल पर उतार कर अपने युवाओं को सशक्त करना है और अपने पूरे क्षेत्र को सशक्त करके मजबूत करना है, दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि जिस प्रकार से जो हमारे जो काम होंगे उसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो पूरा अपना संसदीय क्षेत्र होगा उसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार क्या है कि अलग अलग उसमें विभिन्न उसमें बटा हुआ है। एक भ्रष्टाचार ऐसा भी है कि जब हमारा राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, आज भी हमारा प्रदेश जो परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है, आज केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है, आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आज उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, पर आज भी उन परिसंपत्तियों का जो बंटवारे की जो लड़ाई है वो पूरी नहीं हुई है। जबकि आज सबसे आसानी से हमारी परिसंपत्तियां और हमारे ही टिहरी संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी परिसंपत्ति जो टिहरी डैम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से ऐसा नहीं है कि करोड़ दो करोड़ दस करोड़ आए, वहाँ हजारों करोड़ रुपये वार्षिक टर्नओवर है और जिसका फायदा हम लोगों को डायरेक्ट मिलना। ऊर्जा की बात करो, ऊर्जा स्रोत प्रदेश है, ऊर्जा नहीं, जो परिसंपत्तियों का बंटवारा उत्तर प्रदेश के साथ होना है। केवल और केवल मैं आपको बता दूं कि टिहरी डैम में हमारे उत्तराखंड को केवल 12% रॉयल्टी मिलती है। गांव हमारे डूबे, हमारे लोगों ने पलायन किया। आज अगर बादल फटने की सबसे बड़ी संभावनाएं अगर टिहरी क्षेत्र में और इस गढ़वाल क्षेत्र में हो रही है वो टिहरी डैम के कारण हो रही है, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। परंतु पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार को जा रहा है। हम चाहते हैं कि अगर हमारे लोगों ने वहाँ पर सेक्रीफाइस किया है, हमारे लोग वहाँ भुक्तभोगी हैं, तो वो हमें 12% रॉयल्टी नहीं चाहिए, हमें उसकी हिस्सेदारी चाहिए। और इस प्रकार की तमाम जो परिसंपत्तियाँ हैं, वो चाहे हरिद्वार में बड़े बड़े होटल हो जिसका आज पैसा उत्तर प्रदेश को जा रहा है, या और भी अपने उत्तराखंड में जो परिसंपत्तियाँ हैं जिसका पैसा उत्तर प्रदेश को जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा तीसरी लड़ाई उस परिसंपत्तियों को बचाने की और उन परिसंपत्तियों को अपने पास लेकर अपने युवाओं को सशक्त करने की होगी। पवार साहब, शिक्षा को लेकर सबकी आप पे आस है क्यों, आप बड़े युवा हैं, शिक्षा के बारे में जानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आप बदलाव देख सकते हैं? सरकार कांग्रेस आती है लगातार बदलती रही, कांग्रेस मॉडल स्कूल डाले, बीजेपी ने आदर्श मॉडल डाले, हालत खस्ती है, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, तो क्या इस क्षेत्र में कुछ आपके पास अलग विजन है कि लोग आप पे बिलीव करें, वो क्या चीज़ रहेगा? देखिए, हम खुद सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए लोग हैं और हमने देखा है कि सरकारी स्कूलों में जिस प्रकार की जो असुविधाएं हमारी सरकारों ने दी है, आज गांवों से पहाड़ों से स्कूलों का खाली होना सिर्फ और सिर्फ कारण एक है, वहां पर अच्छे शिक्षक ना भेजना, वहां पर अच्छे भवन ना होना, वहां पर जो गांव से और स्कूलों की दूरी है वो बहुत अत्यधिक दूरी होना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में नीतियाँ बदलकर, इन नीतियों में संशोधन कर मुझे उम्मीद है कि अगर किसी स्कूल में किसी गांव में हम अच्छे टीचर भेज देते हैं और रेगुलर टीचर भेज देते हैं, सबसे बड़ी बात, तो कौन होगा कि अपने बच्चों को बाहर भेजेगा? सबसे बड़ा कारण यह है कि जब स्कूल में रेगुलर टीचर नहीं आता है, ये सबसे बड़ा कारण है, तो एक मजदूर भी जो बेचारा अपने मासिक उसके खर्च के लिए पूरा अपना रहन सहन के लिए गुजारा नहीं कर पाता है, वो भी मजबूरी में उसको या तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को डालना पड़ रहा है या देहरादून विकास नगर जैसी जगह पर भेजना पड़ रहा है। तो हमारी प्राथमिकताएँ रहेंगी कि पहाड़ों में जितने भी स्कूल हैं सब में जितने वहाँ पर शिक्षकों के पद होंगे, जितने वहाँ पर जो टीचर होंगे वो रेगुलर हो, और जो हमारे स्वास्थ्य जो मेडिकल जो हमारे वहाँ पर अस्पताल है वहाँ पर रेगुलर डॉक्टर का बिठाना, ये हमारा संकल्प है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लोग पहाड़ों से और देहरादून या ऋषिकेश दिल्ली जैसे अस्पतालों में ना आए, उनके लिए वहीं पर सुविधा हो, किसी क्षेत्र में 30 बेड का ही हॉस्पिटल हो पर वहाँ पर रेगुलर डॉक्टर हो, वहाँ पर रेगुलर मशीनें हो, जिससे कि हमारे लोगों को ज़्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े। हमारे साथ दो चीज़ पर आपको और ध्यान दिलाऊं, कई जगह पर हमने जब दौरा किया गाँव में, हितड़ी फितड़ी से लेकर के बात करूँ, जीएनएम सेंटर, एनएम सेंटर, पटवारी चौकी, फॉरेस्ट चौकी, सब खंडर हुई पड़ी, सेक्रेटरीट हाउस, सरकार पैसे दे रही, क्या उस बारे में कुछ बोलेंगे आप? दूसरा, यदि मैं बात करूं बुरांस, काफल, चूलू, आपके जिस घाटी से आप आते हैं वहां पर गुरियाल के पौधे सड़के खराब हो जाते हैं,
तो क्या उनके लिए कुछ योजना रहेगी? वो आपका माइंड है कि उस बारे में कुछ फोकस कुछ करिए आप जनता को? देखिए बिल्कुल फोकस है, हमने तो ये पहले से सोचा है और पहले से प्लानिंग की है कि जिस प्रकार से आज हमारा प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है और भविष्य में हमें अगर मौका मिलता है तो जिस प्रकार से PWD के चाहे बिल्डिंगें हो, वो चाहे वन विभाग की बिल्डिंगें हो, उन बिल्डिंगों का सौंदर्यकरण करवा के वो विभाग को नहीं दिया जाएगा, वो केवल यहाँ के युवाओं को दिया जाएगा और उनसे संचालित करवाया जाएगा। एक तो युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा और दूसरा सरकार के लिए फंड जनरेट होगा, वहाँ से सरकार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो ये हमारी प्लानिंग है और जरूर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया गया तो जो हमारा नारा है कि एक वोट एक रोजगार और हर हाथ को रोजगार, वो जरूर मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे लोगों से वो अपने संसाधन वापस लेना चाहते हैं जिन्होंने उसे खंडर बना दिया है। अगर हम किसी युवा को वो संसाधन देंगे, किसी को मुहैया करवाएंगे, तो वो अपना परिवार भी चलाएगा, अपने आप को रोजगार भी करेगा और सरकार के लिए वो टैक्स भी भरेगा और सरकार का फायदा भी होगा। तो ये सारी योजनाएं हैं, बस कमी है तो सिर्फ इसकी कि हमारे पास कोई ऐसा पद नहीं है कि जिसके क्षेत्र अंतर्गत आकर हम ये काम कर सके, हमारे अधिकार क्षेत्र में अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर भविष्य में अगर ऐसा होता है तो ये योजनाएं तैयार है और इस पर काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थे बॉबी पवार, निर्दलीय उम्मीदवार, जहां व्यक्ति जब जाने का प्रयास कर रहा था, ऐसे युवा यदि वास्तविक संसद भवन जाते हैं तो क्या वास्तविक देवभूमि में कोई शिक्षा में वास्तविक बदलाव होगा? शिक्षा की लगातार सरकारें बात करती है, क्या कभी UPSC लेवल की कोचिंग खुलेंगे यहाँ? क्या नीट का खुलेगा? क्या IIT का खुलेगा? खुले भी हैं तो तमाम बाहर पढ़ाने वाले, ये मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो क्या बॉबी जैसे संसद जाते हैं तो कहीं ना कहीं बात रखेंगे और कई युवा इनसे जुड़ रहे हैं। एक का मंडल उपाध्यक्ष रहे चिन्यालीसौड़ के, बहुत युवा रहे हैं और इन्होंने यमुनोत्री विधानसभा से चुनाव भी लड़ा है। इस टाइप से कई अंदरूनी चेहरे आ रहे हैं, तो बहरहाल आखिर वो क्या पीड़ा लेके आए, क्या है उनके पास पीड़ा? पार्टी का बहुत बड़ा पद भी रहा है, विधायक भी लड़े हैं, बहरहाल सूक्ष्म शब्दों में कोहली साहब आप जैसे युवा कंधा मिला रहे हैं और ऑलरेडी बॉबी पवार के पास तो युवा का एक एनर्जी ऑफ स्टोर है, बहुत बड़े बड़े कंटेनर एनर्जी के युवा हैं, वो बदलेंगे नहीं बदलेंगे बहरहाल समय बताएगा। आप को तो आइडिया भी है, अनुभव है, क्या बोलेंगे आज आप, कैसे महसूस कर रहे हैं, क्यों आपने ज्वाइन किया था तमाम आदमी? देखिए भगवान साहब, ये प्रदेश हमें बहुत संघर्षों और कुर्बानियों के बाद मिला है, प्रदेश युवा है और यहाँ युवाओं की उपेक्षा हो रही है, ये हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से जो है ये प्रदेश जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। तो युवाओं की भावनाओं को देखते हुए और आप बॉबी पवार जी का संघर्ष को देखते हुए ये मैंने निर्णय लिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत पीड़ाएं हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रदेश सरकार केवल अपना यशोगान करवाने पे ध्यान दे रही है और यहाँ के दर्द के लिए, यहाँ की समस्याओं के लिए वो सीरियस नहीं है। बहुत लंबा समय जो है लगातार प्रदेश सरकार को मिल रहा है लेकिन हमारे सीमांत और जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय जनपद है, उसके लिए जो है सरकार सीरियस नहीं दिखाई दे रही है। बहुत दर्द है, बहुत कुछ बताने के लिए है लेकिन आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। फिलहाल आज मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से भाई भाई को शुभकामनाएं देता हूँ और प्रदेश के युवाओं को उनसे अपील करता हूँ, ये संघर्ष तुम्हारे लिए था और अब तुम्हारा जो है इसको रिटर्न करने का जो है मौका आ चुका है और आपने ये साबित करके भी दिखाना है। और मुझे लगता है यूथ जब बूथ पे नजर आएगा तो हम ये जंग जीतेंगे और एक बहुत बड़ा बदलाव जिसकी लोग अभी कल्पना नहीं कर रहे हैं लेकिन ये धीरे धीरे आग सुलग रही है, ये पहुंच भी चुकी है गांव-गांव तक, गली-गली तक। अब ये देखना है, इन्होंने संघर्ष तो लोगों के बच्चों के लिए किया है, हमारे प्रदेश के युवाओं के बच्चों के लिए किया है, अब ये देखना है कि यहाँ के अभिभावक, यहाँ की जनता वो किस तरह से रिटर्न करती है, उनके अंतरात्मा जागती है नहीं जागती है, जागेगी तो ठीक है, नहीं जागेगी तो दोबारा से इसी भ्रष्टाचार के लिए तैयार रहना। जो ये बीच में प्रचलन चल रहा था 10 लाख 15 लाख 20 लाख भर्तियों के लिए, सबको पता है, सब मूक दर्शक बने हुए थे, तो दोबारा से 50 लाख के लिए तैयार रहना, अपनी घरकुड़ी बेच देना और जो कुछ करना होगा करते रहना। अब मौका दिया है, इन्होंने साहस किया है, लोकसभा का चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होता है। मैं चुनाव लड़ा हूँ एक मैसेज देने के लिए, जब मैं लड़ा था मेरे कोई पूर्व से कोई प्लानिंग नहीं थी कि, लेकिन अनुभव लेने के लिए कि चीज़ें किस दिशा में जा रही है, आप भी समझते, सब लोग समझते हैं, ये प्रदेश जो है राजनीति की भेंट चढ़ चुका है और चुनाव किस लेवल पर जा चुका है, राजनीति किस तरह की राजनीति हो रही है सब लोग देख रहे हैं। कोई सिटिंग MLA कैसे अपना पद छोड़ के जो है किसी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का हिस्सा बन रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जिन्होंने विपक्ष में होना चाहिए था, जिनकी भूमिकाएं थी कि इस समय प्रदेश की समस्याओं के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, विपक्ष की भूमिका निभाएं, दो दो बार के विधायक पेंशन ले रहे हैं,
वो अपने कार्यकर्ताओं के फायदा पहुंचाने के लिए इस समय सरकार का पार्ट बन रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त, ऐसा बहुत सारा दर्द है, बताएंगे इस चुनाव में बताएंगे। फिलहाल तो धन्यवाद, ये थे उपाध्यक्ष रही पद पर अयोध्या विधानसभा चुनाव लड़ा, बहरहाल उन लोगों से बातचीत करेंगे जो अपना बराबर अभी इस दल से उस दल में, क्या उत्तराखंड इसीलिए बना हुआ था कि बार बार अपने फायदे के लिए आप पार्टी बदलेंगे। हालांकि बॉबी पवार की बात करूं, घर घर तक तो पहुंच चुके हैं इनका संघर्ष। कई महिला, जब मेरी रिपोर्टर टीम ग्राउंड जीरो पर गई तो कई महिलाएं भी कहीं ना कहीं बॉबी के संघर्ष को गिन रही हैं, बता रही हैं कितना वोट में कन्वर्ट हो पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। और कुलदीप के साथ महेश बहुगुणा, देवभूमि उत्तराखंड, चुनाव रंगवाणी प्रोग्राम, लोकसभा की सीट नंबर 1 टेहरी से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार का सीधी बातचीत। जय हिंद, जय भारत।